बसम्लर अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट अपडेट ये है कि सऊदी अरब और दुबई वग़ैरह में आप सब भाइयों को पता हो जो खासकर कर यहाँ पर मुकीम है कि जहाँ पर पार्टीज़ वग़ैरह में अभी भी भाई पाबंदी है कोई बड़ी पार्टी आप नहीं कर सकते हैं वरना आपको फ़ाइन होगा पर पर्सन पाँच हज़ार रियाल के हिसाब से ये तो आप सब भाइयों को पता होगा तो इस वायरस के चलते हुए अभी तक जो कि पार्टी वगैरह हो रही हैं उसमें कुछ मखसूस तादाद में लोग शामिल भी होते हैं लेकिन अगर आप पचास से ज़ायद अफराद कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई आपको फिर फ़ाइन डेफिनेटली कन्फर्म है जी होगा अगर पता चल गया उन लोगों को तो फिर ये आज की जो न्यूज़ है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दुबई से जी एक लेकिन दुबई से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक अरब खातून थी जो कि सऊदी अरब की रहने वाली थी उसे फ़ाइन हुआ है उसे फ़ाइन इस तरह हुआ है कि उसने अपने घर पर भाई एक पार्टी रखी थी जिसमें उसने काफ़ी अफराद को बुलवाया था अभी उनकी ताद नहीं बताई गई है कि वो पचास थे या सौ सौ अफराद थे कितने थे तो वहाँ पार्टी वगैरह चल रही थी सौ दुबई पुलिस को पता चला है फिर लोगों ने वहाँ पर रेड वगैरह की है उन सबको भाई रेस्ट बोले भी उन सबको इकट्ठा किया इकट्ठा करने के बाद जो जिस खातून ने पार्टी रखी थी भाई उससे दस हज दस हज़ार रयाल यानि कि दस हज़ार धर्म बोल रहे हैं आप उसका फ़ाइन किया है और उसके बाद जितने भी वो चाहे औरतें थी चाहे वो मर्द थे वो पार्टी में शरीक थे भाई उन सबको पर पर्सन के हिसाब से पाँच पाँच हज़ार रयाल का फ़ाइन किया गया है तो ऐसी किसी भी पार्टी में आप हम खारजी भाई जो सऊदी अरब या दुबई में मुकम है हम भाई पार्टी वगैरह तो रख ही नहीं सकते हैं लेकिन ऐसी किसी पार्टी में में ये शादी शादी वगैरह वगैरह जैसा जैसा आप कि सब भाइयों को पता है शादी में लोग इकट्ठे होते हैं तो ऐसी किसी जगह पर जाइए भी मत क्योंकि दूरी रहिए अगर किसी ने वहां पर आपको भाई अगर फराज ज्यादा हैं तो वहां पर रेट वगैरह की गई और कोई कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो फिर उसमें भाई आपको भी पांच हजार का जर्माना कर दिया जाएगा तो सऊदी अरब के मुताबिक आपको कोई भी और न्यूज जानिए मुझे कमेंट कीजिएगा अपनी सद का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज